हरदा जिले के हंडिया तहसील में यात्री बस स्टैंड नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चालक बस को बीच में ही रोक देते हैं, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है, साथ ही जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। हंडिया धार्मिक तीर्थ नगरी भी है, यहाँ पर अमावस्या, पूर्णिमा और दूसरे त्योहारों पर हजारों श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं, जिन्हें सुविधाओं के अभाव के चलते अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोग सालों से स्थायी बस स्टैंड की मांग सरकार और प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। मैं हंडिया ग्राम का रहने वाला हूं। यहां बरसों से प्रतीक्षालय की भी मांग है, बस स्टैंड की भी मांग है, जो आज तक शासन ने कभी पूर्ति नहीं की। हजारों यात्री यहाँ पे नर्मदा तीर्थ स्थल है स्नान करने आते हैं, उनको भी असुविधा होती है। इस संबंध में जैसे ही हमें वरिष्ठ कार्यालय सीमा कार्यक्रम महोदय से भूमि आवंटन के संबंध में कोई पत्र प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ इंडिया में एक उचित स्थान देख करके बस स्टैंड के लिए शासकीय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।